हेलो बच्चों, कैसे हाल चाल है बेटा? तो पढ़ाई तो बढ़िया चल रही होगी, एकदम मस्त। अच्छा, नहीं चल रही है? ठंड में सो जाते हो जल्दी? अरे भाई, सोना नहीं है यार, थोड़ा सा पढ़ाई को भी बेटा दिमाग में रखना है और अंदर से डिटर्मिनेशन करना है कि मुझे अच्छी पढ़ाई करनी है, समझ के करना है, तो सब कुछ होगा। तो बच्चों, आज हम लोग टेंसर के अगले वीडियो में आ गए हैं और इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि दो टेंसर को ऐड एंड सब्ट्रैक्ट आखिर कैसे करते हैं, है ना। टेंसर को भी हम ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो हम लोग अब जरा उनके इन ऑपरेशंस पर आ गए हैं कि भाई उनको प्लस माइनस और मल्टीप्लाई कैसे किया जाए। तो आज हम लोग बेटा एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे टेंसर के। टेंसर के मैंने काफ़ी सारे वीडियो अपलोड किए हैं, तो अगर आपने बेटा पुराने वीडियोस नहीं पढ़े हैं तो पहले जाकर बेटा पुराने वीडियो ज़रूर पढ़ लीजिए, स्टार्टिंग से पढ़िए। टेंसर बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, स्टार्टिंग से पढ़ना पड़ेगा, लेकिन बेटा बीच में पढ़ोगे तो शायद समझ में नहीं आए, स्टार्टिंग से पढ़ोगे आपको टेंसर पूरा पूरा समझ में आएगा। ठीक है बच्चों, तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं बेटा एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ टेंसर। देखो बच्चों, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ टेंसर्स, समझे बच्चों? देखो बच्चों, क्या है कि अगर मान लो मेरे पास दो सेम टाइप के और सेम नेचर के टेंसर हैं। सेम टाइप मतलब उसमें कितना कोवेरिएंट पार्ट है, ठीक है, कितना कंट्रा वेरिएंट पार्ट है, ये दोनों में सेम होना चाहिए, तो उनको हम प्लस माइनस कर सकते हैं। और प्लस माइनस करने के बाद जो टेंसर आता है वो भी सेम नेचर का ही होता है ना, ये बात ध्यान रखना। देखो जैसे कि मान लो हमारे पास दो टेंसर हैं, मान लो मेरे पास, ठीक है, एक टेंसर है ए आर पी क्यू, ठीक है, और दूसरा टेंसर है मान लीजिए मेरे पास बी आर पी क्यू। देखो ये जो टेंसर है ना, मैंने बताया था बेटा ये टेंसर है ये किस टाइप का है, ये 2,1 टाइप का टेंसर है ना, और ये भी टेंसर देखो 2,1 टाइप का टेंसर है, मतलब दो पार्ट ऊपर है एक नीचे, दो पार्ट ऊपर है एक नीचे, तो 2,1 टाइप का टेंसर हो गया। और इसकी रैंक कितनी हो गई? 3। दोनों को सम कर दें तो रैंक हो जाएगी, ये रैंक 3 है, ये रैंक 3 है। अच्छा अब देखो इसमें क्या है, 2 पार्ट कंट्रा वेरियंट है, 1 पार्ट को वेरियंट है ना, तो इसमें क्या है, 2 कंट्रा वेरियंट है, ठीक है, 2 कंट्रा वेरियंट है और 1 को वेरियंट है, सेम यहां पर भी है, ठीक है, ये बात यहां पर ध्यान देना। तो हम इसको कहते हैं भाई सेम नेचर के, है ना, सेम करेक्टर के या सेम नेचर के। देखो ये दो टेंसर हैं, ठीक है, आर टेंसर्स ऑफ सेम रैंक एंड सेम करेक्टर, सेम रैंक और सेम करेक्टर के बच्चों ये दो टेंसर है। सेम करेक्टर का मतलब ऐसे, रैंक तो 3 है, अब 3 में ऐसा भी हो सकता है एक में ऊपर 2 हो नीचे 1 हो, या दूसरे में ऊपर 1 हो नीचे 2 हो, तो भी रैंक 3 ही आएगी दोनों की, लेकिन करेक्टर भी सेम होना चाहिए। भाई रैंक 3 तो बहुत से केस में हो सकती है, या हो सकता तीनों ही ऊपर हो नीचे कोई ना हो, तब भी उसकी रैंक 3 होगी। मैंने बताया था रैंक का मतलब बेटा क्या हो सकता है, जैसे कि मान लो आपने ऐसे ले लिया एक कि पी क्यू आर, और एक आपने ऐसे ले लिया पी क्यू आर। अब देखो ये भी है ना सेम रैंक के हैं, लेकिन करेक्टर देखो सेम नहीं है, ये 2 है ये 1 है, ये 1 है ये 2 है, तो यहां पर देखो सेम है ना, देखो ये पी क्यू, अच्छा वेरिएबल भी देखो यहां पर हमने सेम रखे हैं पी क्यू आर और यहां पर पी क्यू आर, तो सेम रैंक और सेम करेक्टर के देखो यहां पर ये दो टेंसर हैं, तो इनको हम प्लस और माइनस कर सकते हैं, और जो प्लस और माइनस होके आएगा वो भी सेम रैंक और सेम कैरेक्टर का टेंसर होगा। ठीक है, इनको जो प्लस करेंगे है ना, ए आर पी क्यू प्लस बी आर पी क्यू, तो इनका जो रिजल्ट आएगा मान लो वो सी यू पी क्यू आर आएगा, कुछ इस टाइप का है ना। और ये भी क्या है जो आया है टेंसर, ये भी सेम रैंक एंड सेम करेक्टर का होगा। ठीक है, ये बात यहां पर ध्यान दीजिए। और इसी प्रकार इनको जो मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी माइनस करेंगे, मान लीजिए तो मान लो डी पी क्यू आर आया, ये भी देखो क्या है, ये भी सेम रैंक और सेम करेक्टर का है
इसमें भी देखो दो ऊपर एक नीचे, तो सेम रैंक और सेम करेक्टर का है। तो प्लस और माइनस के बाद जो टेंसर आता है वो सेम रैंक और सेम करेक्टर का हमेशा आता है, और ये कोई कॉमन सेंस ही बात है, इसमें ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी कोई मैथ चाहिए, सिंपल सी बात है, बस हमें समझ में आना चाहिए। बहुत एक छोटा सा कॉमन सेंस है कि दो सेम टाइप के वेक्टर को ऐड करोगे तो उसी प्रकार का तो वेक्टर आएगा, बस समझे ना। और ऐड भी हम दो सेम टाइप के वेक्टर को कर सकते हैं, भाई एक वेक्टर 2D का है एक वेक्टर 3D का है, तो उनको आपस में ऐड थोड़ी कर सकते हैं, दोनों ही 3D में लिखे हों तो उनको आपस में ऐड कर सकते हैं, सेम टाइप के वेक्टर को ही आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है ना, वही चीज यहाँ पर भी है। अच्छा अब देखो बच्चों, यहाँ पर जरा ध्यान दो कि हम इनको प्रूव करेंगे कि आखिर ऐसा होने वाला है। प्लस वाले को करेंगे, माइनस वाला हम बिल्कुल वैसे ही कर लेंगे। तो देखो इनको हम प्रूव करेंगे कि आखिर ऐसा होगा, ठीक है, ये तो इसका स्टेटमेंट हो गया, अब हम इसको प्रूव करेंगे आखिर ऐसा होगा। तो इसको मिटा देते हैं, देखो ध्यान दो, मान लो मैंने देखो यहां पर लिखा ए पी क्यू आर, मान लो मैंने यहां पर ये लिखा। अब देखो अगर ये टेंसर टू करा टू कंट्रा वेरिएंट वन को वेरिएंट है, तो देखो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि मान लो हमने लिया a डैश आई जे और यहां पर लिया मैंने k, a डैश आई जे और k। अब देखो दो पार्ट इसमें हमारा कंट्रा वेरिएंट है और एक को वेरिएंट है, तो क्या हुआ, मान लो ये वैल्यू आई है पी क्यू आर, इससे ये मिला है ना, मान लो इसको हमने किसी दूसरे सिस्टम में ट्रांसफॉर्म किया, तो नया सिस्टम मान लो ये है, ये तो एक सिस्टम का है जो हम लेके चल रहे हैं, इसको दूसरे सिस्टम में मैंने ट्रांसफॉर्म किया, तो मान लीजिए नया सिस्टम ये है। अब देखो इसमें दो पार्ट कंट्रा वेरिएंट है, तो क्या होगा, दो सिंबल ये ऊपर आएंगे, डैश वाले आई वाला ऊपर आएगा और देखो यहां पर पी वाला नीचे आएगा, दो सिंबल ऊपर आएंगे, और इसी प्रकार देखो यहां पर डेल एक्स डैश जे वाला ऊपर आएगा और क्यू वाला नीचे आएगा, देखो दो डैश वाले सिंबल ऊपर आएंगे, दो नीचे आएंगे, एक इसका ऊपर आएगा क्योंकि एक पार्ट हमारा देखो यहां पर कोवेरिएंट है, तो क्या हुआ डेल एक्स आर अपॉन डेल एक्स डैश के, है ना, दो पार्ट कंट्रा वेरिएंट है, तो दो डैश वाले सिंबल ऊपर और ये दो सिंबल नीचे, एक कंट्रा एक कोवेरिएंट है, तो एक सिंपल वाला ऊपर और डैश वाला नीचे, ये सब बता चुका हूं लिखने के तरीके होते हैं, ये मैंने बताया था आपको पहले भी, वेरिएबल पे ध्यान रखना, ये आई जे है तो आई जे वाले ऊपर, पी क्यू वाले नीचे, और यहाँ R वाला ऊपर और यहाँ पर K वाला नीचे, ये वेरिएबल का जरा ध्यान रखना है, ये सब मैं बता चुका हूँ पिछले वीडियोस में, पिछले वीडियो पढ़ोगे तो ये बातें तुम खुद समझ जाओगे। अच्छा दूसरा देखो पी क्यू आर है, मान लीजिए ये ऐसे लिखा B डैश आई जे और K, तो यहाँ पर क्या हुआ B P Q R, फिर देखो वही अपना सेम तरीके से लिखना है डेल एक्स डैश आई डेल एक्स पी, और फिर वही देखो वही सेम केस है दो कंट्रा वेरिएंट को वेरिएंट डेल एक्स डैश जे अपॉन डेल एक्स क्यू और डेल एक्स आर अपॉन डेल एक्स डैश की, है ना, दो हो गया अपना कंट्रा वेरिएंट और एक बच्चों अपना हो गया देखो को वेरिएंट, देखो वही अपना लिखने का सेम मेथड है। मान लो हम इन दोनों को ऐड करते हैं, तो ए डैश आई जे प्लस B डैश आई जे और K और K, मान लो इन दोनों को ऐड करते हैं, तो जब इन दोनों को ऐड करेंगे देखो क्या होगा, ये तो दोनों में सेम है, तो देखो यहां आ जाएगा A P Q R प्लस B P Q R, और उसके बाद क्या हुआ, ये देखो सेम आ जाएगा डेल X डैश आई अपॉन डेल X P डेल X डैश J अपॉन डेल X Q डेल एक्स आर अपॉन डेल एक्स डैश की, देखो ये दिख रहा है ना, ओहो कुछ कम दिख रहा है क्या, दिख रहा है यार, इतना समझ लोगे भाई, कोई दिक्कत नहीं ना, इन दोनों को ऐड किया तो ये बाहर आ गया इधर, और ये वाला पार्ट देखो बाहर कॉमन आ गया क्योंकि ये सेम है। अब देखो इसी को ही हम सी कह सकते हैं, सी इसी को ही बच्चों हम वो अपना कह सकते हैं कि सी पी क्यू आर, और देखो ये अपना सेम रहे, तो देखो ये वही अपना सेम करेक्टर का बच्चों टेंसर आ गया, तो बस ये हमें यहां पर ध्यान रखना है कि भाई सेम करेक्टर के टेंसर को हम
ऐड कर सकते हैं, और अगर माइनस करना होगा तो सेम मेथड से माइनस, इनको माइनस करेंगे तो यहाँ माइनस आ जाएगा, और इसको डी मान लेंगे माइनस वाले को, जैसे ये सी क्या है, सी इसके बराबर आ गया, इसी को ही तो हमने सी कह दिया ना, ये अपना क्या हो गया, सी के इक्वल आ गया, ये सी हो गया, और अगर हम माइनस करेंगे तो यहाँ पर बीच में माइनस होगा, माइनस वाले को डी मान लेंगे, तो वही सेम बात है। तो इस तरीके से बच्चों हमें हमेशा टेंसर को प्लस और माइनस करना है। अभी इसके बाद अगला वीडियो जो आएगा बेटा, उसमें मल्टीप्लाई के बारे में बताएंगे, जो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है कि भाई टेंसर को मल्टीप्लाई कैसे करें। ठीक है बच्चों, तो इस वीडियो में इतना ही है ना, आराम आराम से पढ़ रहे हैं, कुछ जल्दबाजी नहीं, कोई टेंशन नहीं है, टेंसर में टेंशन नहीं लेना बेटा, मैंने शुरू से बताया था। तो स्टार्टिंग से वीडियो पढ़ो, सब कुछ समझ में आएगा, विश्वास करो सब कुछ समझ में आएगा, मन से पढ़ो, दिल से पढ़ो, पढ़ाई में लगे रहो, सोचो यार मुझे मैथ समझ के पढ़ना है, और अगर तुमने मैथ्स को समझ के पढ़ लिया बेटा तो दुनिया में कोई काम मुश्किल नहीं है। और उसमें से भी अगर तुमने टेंसर है, टोपोलॉजी है, इन टाइप की चीज़ों को समझ लिया ना, तो इसका मतलब ये है कि तुम्हारे पास दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग माइंड है ना, सबसे अच्छा लॉजिकल माइंड इसमें लगाना पड़ता है, और तुम समझ रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं बेटा अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।